HTML के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं HTML में टेबल को किस तरीके से ऐड करते हैं और उसमें एट्रीब्यूट और फील्ड और डेटा को किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने HTML पे चार वीडियो और बना चुका हूँ, ये मेरा वीडियो नंबर 5th है। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर एक HTML का प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें मेरे HTML के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप मेरे सारे HTML के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि HTML में टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा को किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो जैसा कि मेरे स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल HTML का स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा वीडियो नंबर 2nd को देखिए, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोग को बता चुके हैं। तो सिंपली हम आप लोग को बताते हैं कि बॉडी के अंदर आपको जो भी कंटेंट को या फिर टेक्स्ट को ऐड करना होता है, कुछ भी कंटेंट को अगर आपको वेब पेज पर ऐड करना है तो उसे बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो चलिए, हम इतना स्ट्रक्चर पहले से टाइप करके रखा हूँ ताकि समय की बचत हो। और चलिए, हम बॉडी में यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के लिए टैग बता देते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट टैग जो है वो टेबल टैग है। टेबल और उसके एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल, ये मेरा हो गया ओपनिंग टैग और ये मेरा हो गया फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद क्लोजिंग टैग। तो इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को बीच में एक बार करके उसको इंटर कर देना है और इसके बाद इसके अंदर टेबल के अंदर आपको लिखना है जो भी डेटा को रिट्रीव करना है, इसमें इनपुट करना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक H1 टैग ले लेते हैं। हम आज आप लोग को एक मार्कशीट का एक फॉर्मेट जो होता है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पे H1 टैग एक और ले लेते हैं। H1 टैग क्या है अगर जानना चाहते हैं तो 3rd वीडियो में मैंने इस पर बता चुका हूँ कि H1 टैग H2 टैग क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्कशीट। H1 टैग और H2 टैग बेसिकली एक फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होते हैं। इसको फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद आपको क्लोज करना है। ये हमारा ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। तो इतना ऐड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इंटर करना है और इसके नीचे अब यहाँ पे आपको TR टैग का यूज करना है। TR टैग को क्यों यूज करते हैं? TR टैग का यूज हम बेसिकली करते हैं टेबल और रो को ऐड करने के लिए, टेबल रो को ऐड करने के लिए। और TD टैग का हम यूज करते हैं टेबल डेटा को ऐड करने के लिए। और TH टैग का हम टेबल हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दोस्तों TR टैग का यूज करेंगे क्योंकि हमें एक रो क्रिएट करना है सबसे पहले। तो TR ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है TR। इसके अंदर दोस्तों आपको ये हमारा टेबल रो को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर टेबल रो के अंदर आपको टेबल हेडिंग देना है। तो TH ये हमारा ओपनिंग टैग है और इसके एक हो गया क्लोजिंग टैग। तो आप लास्ट में भी दे सकते हैं, मैं अभी ही लिख देता हूँ यहाँ पे TH टैग। और TH टैग के अंदर आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं ऊपर में हेडिंग वो यहाँ पे देना है। तो बेसिकली हम मार्कशीट का फॉर्मेट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सब्जेक्ट का नाम, सबसे पहले यहाँ पे हिंदी दे देते हैं। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं या फिर ऊपर भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा हेडिंग ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको फिर से TH टैग को यूज करना है, TH और एक क्लोजिंग टैग TH। और इसके अंदर आपको यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश। आप कुछ भी यहाँ पे हेडिंग को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। फिर से हम एक और चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना, तो उसके लिए फिर से TH टैग और यहाँ पे लिख देते हैं मैथ और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे इस टैग को। तो ये मेरा सिंपली यहाँ पे हो गया TH टैग, जिससे मेरा कि जो टेबल में हेडिंग है वो शो होगा। और टेबल रो को क्रिएट करने के लिए मुझे रो वाइज शो करवाना है तो इसलिए मैंने TR टैग का यूज किया और TR टैग के अंदर मैंने TH टैग को यूज किया है क्योंकि मुझे हेडिंग में हिंदी इंग्लिश मैथ शो करवाना है। चलिए, हम इतना को सेव करके आप लोग को दिखला देते हैं। टेबल फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं, .html देना ज़रूरी है क्योंकि आप HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो HTML का एक एक्सटेंशन होता है। और उसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। चलिए, मेरा सेव हो चुका है और यहाँ पे हम इसको रन करके आप लोगों को दिखला देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पे H1 टैग यूज किया था तो ये मेरा फॉन्ट साइज बड़ा है क्योंकि H1 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है। और यहाँ पे मैंने हेडिंग में वहाँ पे यूज किया था, देख सकते हैं TR टैग के अंदर TH हिंदी इंग्लिश मैथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश और मैथ शो हो रहा है।
और मुझे हिंदी इंग्लिश मैथ के नीचे मुझे डेटा को यहाँ पे इनपुट करना है, जैसे कि मार्क्स में हो गया मेरा 50, 60, इंग्लिश में मैथ में 80, ऐसे कुछ शो करवाना है रो वाइज। तो किस तरीके से ऐड करते हैं चलिए हम बात। तो TR टैग ए हमारा हुआ और TA क्लोजिंग टैग TR का हुआ, इसके अंदर आपको हेडिंग देना है। अब हमें फिर से TR टैग लेना है, तो इसके नीचे आपको करना है इंटर और यहाँ पे TR टैग फिर से यूज करना है और एक हो गया क्लोजिंग टैग। एक बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी टैग आप यूज करेंगे उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, तो इसको हम नीचे कर दिए और यहाँ पे आपको TR टैग और ये ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, इसके बीच में आपको फिर से यहाँ पे ऐड करना है डेटा को। तो डेटा को ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपली हम TD टैग का यूज करते हैं। TD ये मेरा है ओपनिंग टैग और ये है इसका क्लोजिंग टैग, और इसमें हम जो भी डेटा को इनपुट करना चाहते हैं इसको बीच में लिखना होगा, TD के बीच में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको। तो मैं हिंदी में 80 मार्क्स को शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चलिए हम 80 दे देते हैं, और फिर से हम इंग्लिश मार्क्स में देना चाहते हैं तो फिर से TD टैग का आप यूज कीजिए। एक हो गया ओपनिंग टैग और यहाँ पर हम दे देते हैं 57 और यहाँ पर फिर से क्लोजिंग टैग TD, फिर से हम एक TD टैग ले लेते हैं TD और यहाँ पे हम दे देते हैं 86 और इसको हम इस टैग को हम फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद TD टैग को बंद करेंगे। तो अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करके आपको इस पेज को हम रिफ्रेश करके दिखला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के नीचे 80 और इंग्लिश के नीचे 57 और मैथ के नीचे 86 यहाँ पे शो करने लगा है, जैसा कि मैं यहाँ पे TD टैग में यूज किया था। तो TD टैग बेसिकली डेटा को टेबल में डेटा को ऐड करने के लिए TD टैग का यूज करते हैं, और TH टैग का यूज करते हैं टेबल में रो को ऐड करने के लिए, और TR टैग को हम यूज करते हैं टेबल रो को क्रिएट करने के लिए। तो मुझे टेबल रो में ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शो करवाना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ए यूज किया। तो चलिए मुझे अगर 80 के नीचे फिर से यहाँ पे किसी और लड़के का नाम यहाँ पे अगर इधर आप बगल में नेम भी एक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। TH टैग जो है इसमें आप एक नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और नेम में यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं राकेश, महेश, सुरेश, उसको ऐड करके, और नीचे और भी मार्क्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो और भी अगर नीचे मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। तो फिर से यहाँ पे नीचे ये हो गया ओपनिंग टैग TR का और एक क्लोजिंग टैग, तो इसके नीचे फिर से आना है और यहाँ पे फिर से एक TR टैग देना है टेबल रो, और इसमें आपको फिर से TD टैग को यूज करना है TD, और यहाँ पे दे देते हैं 54 और फिर से यहाँ पे TD टैग, इसको क्लोज करेंगे TD टैग को और फिर से यहाँ पे TD टैग और फिर से इसको क्लोज करेंगे। जितने डेटा आप ऐड करना चाहते हैं उसके लिए TD टैग का आप यूज कीजिए। ये मेरा हो गया 64 और यहाँ पे फिर से TD क्लोज कर देंगे, और लास्ट में ये TR टैग है तो इस टैग को बंद करने के लिए आपको लास्ट में TR टैग को क्लोजिंग टैग को यूज करना होगा। तो TR और इसको हम फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरा जो टैग है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम इसको सेव करके और पेज को रिफ्रेश करके आप लोग को बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 80 के नीचे मेरा 54 और 57 के नीचे 76 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो देख सकते हैं अगर और भी डेटा यहाँ पे नीचे ऐड करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे नीचे TR टैग यूज कीजिए ए वाला, और फिर से यहाँ पे नीचे TR टैग के अंदर आप जो भी डेटा को इनपुट करना चाहते हैं TD टैग से आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात और, अगर आप यहाँ पे एक सेपरेट यहाँ पे लाइन खींचना चाहते हैं जैसा कि एक मार्कशीट में होता है या फिर किसी कॉलम वाइज देखते होंगे कॉलम और रो वाइज सेपरेट होता है, तो उस तरीके का अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो आप टेबल देख रहे हैं एक टेबल में आपको एक एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको ऐड करना होगा टेबल बॉर्डर BORDER टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 देने के बाद सिंपली इसको डबल कोटेशन से बंद कीजिए और सिंपली सेव कीजिए। तो जैसे ही सेव कीजिएगा और अपने पेज को रिफ्रेश कीजिएगा तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोग सीख गए होंगे कि HTML में टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और टेबल में डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।